और रोन लग रही है बच्ची, देख 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 देखो रोन लग रही, देख ले, देखे ये बच्ची है, देखे ये भावुक हो गई, देखे देखे क्या नाम है बेटा आपका। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है इतनी भावुक हो गई क्योंकि ये भी एक साल से प्रयास कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से दो खिलाड़ियों को छूट दे दी गई, जो पूरी की पूरी तैयारी थी वो उनकी धरी रह गई। अच्छा बजरंग को ट्रायल से क्या डर है? डर तो जी उसी को पता क्या डर है, जब उसको लग रहा है भाई हमारे वजन में और बढ़िया कम्पिटिटर है तो इसी बात का डर होगा, क्योंकि पिछली बार कॉमनवेल्थ की फाइनल बाउट 3-2 से हुई थी, लास्ट की सेकंडों में जीता था। अब यही डर होगा कि बेहरा ना लिए और मेहनत करनी रखी, एक साल से धरने में बैठे, यही डर है सबसे बड़ा। तो अल्लाह कही थी भाई हम तो सीधे जावेंगे, वीडियो भी वायरल हुआ था उनका, वही चीज सामने आने लग रही है भाई सीधे जाना था ना, यही मुद्दा था जो उन्हें धरना दिया वो साफे बेरा पटन ला रहे भाई, कोई मकसद ही नहीं था उस चीज का। मेरा भतीजा है विशाल कालीरामन, अभी मिल के आए हैं। हाँ मेरा भतीजा है जी, ये मेरा भाई है, इसने सारा घर लगा रखा है उस बच्चे के ऊपर। भाई उस धरने पे हमारा पूरा परिवार आया था, उनको मतलब उनका दर्द था ना उनका, अब हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसकी सपोर्ट में हम भी थे उधर, लेकिन हमें क्या पता ये धोखा हमारे बच्चों के साथ ही करेंगे। ये दादागरी करने लग रहे, बिल्कुल सरियाम दादागरी करने लग रहे। उस दिन इनका आंखें में डीढ़ा रही थी, भले हमने हमारे साथ शोषण हो गया, हमारे साथ वैसे असली शोषण तो ये है, असली शोषण तो ये है भाई, उनका जो शोषण हुआ था तो कोर्ट फैसला कर देगी, न्याय मिल जाएगा, इनके साथ न्याय कौन करेगा? सिर्फ दो ही वजन रह गए थे क्या? सिर्फ दो ही वजन रह गए थे? ये दादागरी नहीं चलने देंगे भाई, बच्चा ने मेहनत कर रखी है, इनके माँ बाप ने ना अपने गुट्ठा टेक टेक की पैसे पर कर्जा टाटा की इनकी पलवानी करवा रखी है, 8-8 साल के बच्चे को बात पर लगा रखे हैं, ठीक है, एसी में बैठ के रियर लखनऊ तो पहन है, ये कानून चालन को नहीं वही बड़ा है, जो जीतेगा जो मेहनत करेगा वही देश का प्रतिनिधित्व करेगा, वही मेडल लाओगा भाई। विनेश फोगाट दो बार जाए ले ही को ओलंपिक में काकर भी काट के लाए तो बता दो, बता इस छोरी के लिए सपोर्ट कर रहे थे उनको भाई साहब, सपोर्ट सपोर्ट करनी पड़ जा रहा है। उस टाइम पर तो हमारी गुड़िया भी जा रही थी, हमारे काके ताऊ भी जा रहे थे, ये रोवा थे, ये रोवा थे, ये रोवा थे, हमारे गिल्ला नू हो गया, नू हो गया भाई। अपने की अपने देश की जनता भावुक है, अपने बुढ़े भी कह दे रहा छोरी गिल्ला नू, जाओ रे संभालो, कह दे भाई इन ने वो काम कर दिया, हम हो गए भावुक, जाना पड़ गया हमने के बेरा था, जो जो बालक इनकी मदद करने खातर जा रहे हैं उनने के लिए वो काम कर दिया, असली शोषण तो यो है। और मैं तो सारा तो कहना चाहूँ किसान भाई तो कहना चाहूँ, जितने खिलाड़ी हैं उन तक कहना चाहूंगा भाई, यो असली काम तो आओ करो इनकी मदद, घर ना बैठो ही पे उड़ जंतर मंत्र पर जब सारे जा रहे थे ना वो फोटो खचवान खातर तुम जा रहे थे, सबका बेरा भाई सबका पता है, जब तो केवल चार ही पहलवानों की बात थी, लेकिन अब तो देखा दुनिया भर के पहलवान है, दुनिया भर के बच्चे हैं, और सारे के सारे बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, किसान बजरंग पुनिया ने विनेश फोगाट ने, मैं एक बात कहना चाहूंगा, उड़ जाना तो काम कौन चल रहा है, आड़ आओ ट्रायल दो, ये छोरे बैठे आड़े नु काम कौन चल रहा है भाई, अगर मेहनत कर रखी है ना तो ट्रायल दो, जो जीतेगा वही आगे जाएगा, समझ गया आराम गुस्सा, अगर हम नहीं कहते भाई मारी छोरी सुना रहा लेगी, मारा छोरा बजरंग ना रहा लेगा, नहीं हम गवर्नमेंट की बात नहीं करते, केवरा मारे हार भी जा, फिर और भी तो बच्चे हैं, केवरा वह राले, अगर वह अच्छे हैं बजरंग और विनेश अच्छे हैं तो सबने बेरा पाट जाएगा, जाओ आगा मीर मोस्ट वेल कम करा उनका, अच्छे तो अच्छे हुआ हुआ भाई, फिर यू कौन सा साहब हो गया, बोले ट्रायल ही नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई, क्यों नहीं होगी, फिर इन बच्चा की कुश्ती करवाना छोड़वा दे, अरुण तो भी एक बात कहूँ, अगर ये काम चल लगा ना, अगर ट्रायल नहीं होगी तो तुम भी पलवानी ना करो, अपने तारे तो कागजा मुंह में नाम जावे हैं, ये गलत है भाई, हम कुश्ती एक भाईचारे का निशानी है, हमारा प्राचीन खेल है कुश्ती, अपसरी का भाईचारा जोड़ा, एक कुश्ती सा, एक कुश्ती ऐसा गेम रह रहा है जो राम राम का टैग लेके चल रहा है, और किसी भी गांव में किसी भी गेम में राम राम का टैग नहीं, राम राम पता नमस्ते पाली दुनिया, एक पहलवानी सा है जो हमने बड्डे देख दे पया करना हाथ करके कहा राम राम पहलवान जी, एक कुश्ती रह रही थी इसने भी खत्म करेंगे, मारे पहलवाना बीच में दरार ना गिरो भाई, ठीक है, ये पहलवान है मेहनत कर रहे हैं, देश का नाम रोशन करने वाली ही है बच्चे, रोन लग रही थी कल इसकी माँ इसका बाबू, दहाड़ी मजदूरी कर करके अपने बड़कन की पहलवानी करवाओ है, अरे ऐसे बैठे बैठे कलम चलाओ है, गलत तो है भाई, हम इस बात का बिल्कुल खिलाफ है, ट्रायल होनी चाहिए। किस तरीके से आप लोग अब आगे की रणनीति बनाए, किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके से सरकार आपकी भी बात मानेगी, मेरी बात सुन लो, हम ट्रायल का उसमें जो हमारे जो बड़े कर रहे हैं हमने कुश्ती देखनी है, जो अच्छा होगा चाहे वो अच्छे होंगे तो वो चले जाएंगे, ये अच्छे होंगे तो ये चले जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए भाई, बात यह है, मारा पेटा भराई होनी चाहिए मारे की, ये उड़ोड़ आदमी खंड क्या है, उनके बाप तो बड़े के आदमी आड़ा रोड पाली ने के बेरा बेचारा दिल्ली की तोड़ने है, कदे खेता में रही आदमी अर चलाए हिन्न ने रोड पर लेके छोड़ रहा, यो काम रह गया भाई, अरे तीसरे दिन ले रोड पर खड़े हो जाओ, अगर रोड पर खड़े होना तो ये वजन छूट मिला है ना,
तो मैं तो सारे ने कहूं हूं, जितने भी वजन आ रहे हैं पहलवान सारे रोड पर जाओ भाई, सारे जाओ नहीं कुश्तियां गिरे खड़े बंद हो जाएंगे। उन लोगों ने तो अपनी बात मनवा ली, किसने? उन्होंने तो बैठ के मनवा ली, उसने मनवा ली, सुन तो उनने मनवा ली तो उनकी चल लगी थोड़ी। हम भी तो आदमी इसी देश में होंगे, हमारे बालक भी तो पहलवानी कर रहे हैं भाई। नहीं, हम तो चाहते हैं सबको मौका मिले, एक से एक बच्चा, क्योंकि हम तो गांव से आते हैं, हमने देखा किस तरीके से पहलवान तैयार होता है। हाँ बिल्कुल, होना ही भी चाहिए। देखो मेरी जड़ती मेरी सोच सता हूँ जी, मैं आपने एक बात बताऊंगा, ये हमारे बड़े हैं खंड के आड़े हैं, ये हमारे से ज्यादा तजुर्बा इनका, छोटे छोटे बालक ने भाई आंगली पकड़ के ले जाओ अखाड़े में। आजकल पहलवानी इतनी इतनी महंगी हो रही है, इतनी महंगी, पहले हम तो दूध घी पी की अपना लासी लासी रोटी खा के रिया कर लिया, दे तरक्के के सौदे चल रहे हैं, पहलवानी न्यू हो जाए भाई, इतना टफ कंपटीशन हो रहा है। आज गरीब घर का बालक पहलवानी नहीं कर सकता, अगर ये गरीब घर के बालक पहलवानी करके आड़ती पूछ गए और फिर भी इन्हें रोंदन लाग रहे हैं, जो न्याय को नहीं अन्याय है, भगवान देखा है बस घनी बस करते बता दी। अरे सुनो मेरी बात है, ये इनकी मारी काकीरी तायरी पूरा परिवार, अरे पहलवान समाज आज तो थोड़ी बात थी, मारती कई भाई ने कई भाई हम भी चलेंगे चलेंगे माए पर जाया हूँ भाई, बात सुधर जा तो ठीक से, ना तो रोड अपना है टैक्स देवा इसका हमी को नु कोनी भाई। अरे एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, वो दो पहलवान बन रहे हैं उनके सपोर्ट में हमारी लड़की गई थी, ये आ गई, इस तरह जो बुलवाया गया बोली भी है, अरे तारे मुंह में दही जमेगी या छोरी रोड पर खड़ी होगी, तमीज से बटन बोलो ना, खुद कर जना मनो ठीक है, कदे नू भी करना सीख क्या करो। उदन तो इनका आखे हम डी डारी थी, हमारा शोषण होगा, हमारा फला असली शोषण ये हो रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बात बताओ, अब ये लड़की इधर से इधर घूम रही है, इसकी ट्रायल है 22-23 तारीख की, लाले भाई करवा भी दी तो लड़की पसर नहीं पड़ेगा, पहलवानी पसर नहीं पड़ेगा, पहलवान ना 5 घंटे बाहर काटे हुआ तो सामने शाम के जोरा में फर्क पड़ जाए भाई, पहलवानी तो इसी चीज हो है, राशन नहीं होगी, और बच्ची ने क्या चीज का ज्ञान है बता, वो रोन लाग रही है बच्ची, देख 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 रोन लाग रही, देख ले, देखे ये बच्ची है, देखे ये भावुक हो गई, देखे देखे क्या नाम है बेटा आपका, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है इतनी भावुक हो गई, क्योंकि ये भी एक साल से प्रयास कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से दो खिलाड़ियों को छूट दे दी गई, जो पूरी की पूरी तैयारी थी वो उनकी धरी रह गई, कुछ महिलाएं हैं जो उनकी गार्जियन से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम उर्मिला मलिक है जी। तो दुख बड़ा हो रहा होगा जिस तरीके से छूट मिली है। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा हो रहा है, और मैं तो इन बच्चों का दुख देखा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और मतलब ना इंसाफी हो रही है, और हमारी तरफ ना तो और हेड कमेटी ध्यान दे रही, ना ओलंपिक एसोसिएशन ध्यान दे रही, और न ही गृह मंत्रालय से कोई मैसेज आया है, न ही प्राइम मिनिस्टर से कोई, मतलब हमें ये हुआ है कि दिलासा दी गई है कि निष्पक्ष ट्रायल होगी, हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष ट्रायल हो और हमारे बच्चों का मतलब भविष्य खराब ना हो, ये भी चाहते हैं कि हम बाहर खेल के आए, हम भी ओलंपिक में मेडल लेके आए, ये भी अपनी दिन रात मेहनत करते हैं, इनके पेरेंट्स भी हैं जो भी इनको इतना खिलाते पिलाते हैं, मतलब अपना अपनी आत्मा मोस मोस के अपने बच्चों को पहलवान बनाया जा रहा है। उसके एक बात बताइए, जो पूरा आंदोलन चल रहा था क्या इसीलिए चल रहा था कि भाई वो दूसरे जो बच्चे हैं उनका हक मार लिया जाए? भाई पहले तो उनका आंदोलन दूसरी प्रकार का था, दूसरी बार धरने पे बैठे हैं तो पहले तो कह रहे थे कि भी हम जूनियर पहलवानों का अपने भाई बहनों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए लड़ रहे हैं, हमें तो सब कुछ मिल चुका है, हमारा तो गेम हो चुका है, लेकिन अब क्या है, अब हमारे ही बच्चों का शोषण किया जा रहा है, कुछ जूनियर और कुछ सीनियर पहलवानों का शोषण किया जा रहा है, तो हम तो यही कहते हैं कि बेटा जब आप इनके लिए धरने पर बैठे थे तो प्लीज कम से कम आप मीडिया के सामने आके ये कह दो कि हम तो निष्पक्ष ट्रायल देंगे, क्यों आप छुपे हुए बैठे हो, आप इतने ही अच्छे पहलवान हो तो क्यों आप मतलब छुपे हुए बैठे हो, आप कहो कि हम तो आप सबके साथ ट्रायल देंगे और लड़ेंगे। ये तो नजर आ ही गया कि वे सब ये जो जूनियर पहलवानों को हक दिलाने के लिए कह रहे थे, अब खुद जूनियर पहलवानों का हक मार रहे हो, उनको तो आगे आके ये कहना चाहिए भी हम किसी के हक नहीं मार रहे, हम बिल्कुल मैट पे ट्रायल दे के आगे जाएंगे, जबकि उन्होंने तो अपने अपने वेट कर ली, या तो फिर सारे ही वेटों को ऐसे टेबल पे जाके वेटों का कर देना चाहिए, अब दो वेटों को स्पेशल क्यों इतना वो दिया जा रहा है कि भाई जो पहलवान अंतिम पंगाल है विशाल काली रामन है बराबर के पहलवान, उनको हरा के आगे जाओ, हम भी कहेंगे कि भाई ठीक है इन्होंने हराया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना काम निकालने के लिए सबको बरगलाया, सबके साथ गलत राजनीति की, जूनियर पहलवानों का नाम लेके अपने वेट में छूट लेके वो अपने फायर। हमारी मांग ये है कि भाई इंसाफ होना चाहिए, मैट पे उनको हरा के वो आगे जाए, सारे देश को खुशी होगी, हर देशवासी ये चाहता है कि जो अच्छा पहलवान हो जाए, इस तरीके से तो फिर कभी जूनियर पहलवान आगे आ ही नहीं पाएंगे, कोई पहलवान नहीं करता है।
मेरा भतीजा है विशाल काली रामन, अभी मिल के आए हैं। हाँ मेरा भतीजा है जी, ये मेरा भाई है, इसने सारा घर लगा रखा है उस बच्चे के ऊपर। अंतिम तो बड़ा दुख हुआ होगा जब ये खबर सुनी होगी कि भाई दुख हुआ है, जब भी हम यहाँ खड़े हैं जी, हम सब के, हम भी खाप पंचायतों से भी आप लोगों से भी सहयोग की अपील करते हैं कि निष्पक्ष हो, हम की कोई मांग नहीं है हमारी, ये नहीं कह रहे कि मैं हमारे साथ हो गए, हम कह रहे शुरू से साथ थे, हम तो शुरू से कह रहे थे भाई हक मारा जा रहा है, लेकिन लोग हमारी बात सुन कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई विरोध कर रहे हो तुम तो। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई मैट पे हमारे बच्चों के साथ कुश्ती करें, इनको हरा के आगे जाए, हमारे को लगता है कि हमारे बच्चे उनसे ज्यादा काबिल है और देश को काबिल बच्चे ही आगे ले जाना चाहिए। इस तरह भाई भतीजावाद अगर हो गया अब तो ये जीजा साड़ी और सारा सिस्टम इनका ही रह जाएगा फिर। बाबूजी क्या कहेंगे, जो पूरा का पूरा सिस्टम चला आपने देखा कितने दिनों तक जंतर मंतर पर डेरा डाला गया, क्या इसीलिए डाला गया था कि दो पहलवानों को छूट मिल जाए? भाई उस धरने पे हमारा पूरा परिवार आया था, उनको मतलब उनका दर्द था ना उनका, अब हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसकी सपोर्ट में हम भी थे उधर, लेकिन हमें क्या पता ये धोखा हमारे बच्चों के साथ ही करेंगे। उनको तो अभी आगे आके कहना चाहिए नहीं भाई हम ट्रायल देंगे, और भी तो बच्चे हैं, खाली विशाल नहीं है, बजरंग खाली बजरंग नहीं है, कितने बच्चे हैं 65 किलो में, कम से कम 8-10 बच्चे हैं जो काटे ही टक्कर है, कोई भी किसी को रह सकता है अगर वो क्या मेहनत नहीं करते क्या, उनके माँ बाप अपना पेट काट के, और जब पहलवान ऐसे नहीं बनता, कम से कम 12-13 साल हो जाते बच्चे को, कई दिन हो गए छूट मिले, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा, उनके सपोर्ट में मुख्यमंत्री तक आ रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जा रहे थे, खा पंचायत आ रही थी, लेकिन आज जब आपके बच्चों का हक मारा जा रहा है आपके पीछे तो कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। हमारे को तो जब पता लग गया तभी तो हम आए हैं, डिमांड करे हमारे साथ भी आएंगे, सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम उन खापों से हम भी जुड़े हुए हैं, हाँ वही किसान हम है और वही खाप। तो जो छूट मिली है इसके पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है आप? छूट तो भाई जिसने ये जो कमेटी है इनको ही पता है किस वजह से छूट दिया, ऐसा कोई रूल है तो दिखा दो भाई छूट दे सकते हम तो इनको।